गाइस इन्होंने फिर से काट दी पतंग। तो गाइस हम पतंग नहीं उड़ा सकते। तो गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस आज हमने कर दिया दिन की शुरुआत हमने करी है कुछ इस टाइप से कि हमने लगा रखी है मशीन यहाँ पर कपड़े धोने के लिए। तो गाइस कल मम्मी ने कपड़े धोए थे, तो आज मेरे को थोड़े अपने कपड़े धोने थे, क्योंकि चादर है और इसके नीचे मेरे कपड़े हैं कुछ, वो मैंने धो दिए हैं अभी, और मैं इसको अभी ड्रायर करूँगा फटाफट से। तो ड्रायर करते हैं इसको पहले फटाफट। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं धो रहा हूँ कपड़े, और मैंने एक लॉट तो मतलब कपड़े का धो दिया है, ठीक है। भाई को बोला ऊपर डाल के आने के लिए, ऊपर डाल के तो वो एक लॉट तो वो डालिया है, दूसरा लॉट मैंने ये रख रखा है धो के अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो इसमें भी तीन चार मतलब मेरे मतलब लोअर पैंट वगैरह हैं, शर्ट वगैरह हैं, ठीक है। तो अभी वो जा रहा था ऊपर, मैंने उसको बोला एक बाल्टी तो वो टांग गया है छत में, दूसरी बाल्टी के लिए वो लेटा पड़ा है अंदर, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा, ये वो थक गया मैं, फलाना ढिकाना। तो अभी फ़िलहाल अपन उसको बोलते हैं ऊपर जाने के लिए। आयुष चल ना बोले, डालिया कपड़े, चल चल कपड़े डालिया ऊपर, छत पे डालिए, एक बाल्टी डाला है वो भी डालिया यार, फटाफट चल ना, जा जा वो रखी बाल्टी हो रही, जा फटाफट से डाल के इसको, जब तक ये भी धुल रहे हैं अपने, जब तक तो तू इसको डाल के आएगा ना जब तक, तो मैं भी निकाल दूंगा, या ये वाला मैं ही डाल दूंगा, तो जल्दी डालिया फटाफट से। तो भाई अभी फिलहाल ये चलो एक बार कहने पे ही जा चुका है डालने के लिए, तो अच्छा लगता है ऐसा, अगर छोटा भाई सबका कहना मान ले तो। ऐसे मेरा भाई भी मोस्टली तो नहीं मानता है, पर कभी कभी मान लेता है। गाइस फिलहाल देखो मैंने जो टी शर्ट पहनी है ये भी मतलब ऐसे टी शर्ट पहनी है, कपड़े ही नहीं है मतलब गंदे हो गए हैं। मम्मी बोले मम्मी कल मशीन लगाई थी, मम्मी कह रही मैंने कल भी मशीन लगाई थी, तुम्हें तब धोने के लिए बोला नहीं है, और आज बोल रहा है। तो गाइस मैं कल थोड़ा भूल गया था, मैं अपना काम में लगा पड़ा था, तो मम्मी को कपड़े दे नहीं पाया, तो आज मैंने दोबारा मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए। तो कुछ इस टाइप से आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है गाइस, कि मशीन लगा के अपना काम चल रहा है, ठीक है। ये थोड़े बहुत और कपड़े थे जो मैं नीचे डाल रखा था, तो मैंने डाल दिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नीचे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है डालने के लिए, तो यहाँ डाल दिए, और बाकी मशीन लगी हुई है, धुल रहे हैं कपड़े। तो गाइस मिलते हैं कपड़े धोने के बाद। तो कपड़े धोने के बाद तो गाइस हालत ऐसी मतलब अभी गर्मी लगी रही है मेरे को, ठीक है, पसीना तो आ ही रहा है। और गाइस अभी कपड़े धो के मैं फटाफट से नहाता हूँ, नहा के मिलते हैं आप लोगों से। आज का रूटीन थोड़ा क्या है दिखाते हैं आपको, ठीक है। पहले धोते हैं मशीन में कपड़े, फिर नहाते हैं, फिर आपसे Hours later. फिलहाल जा रहे हैं एक न्यू फ़ोन परचेज़ करने। तो गाइस ये वाला जो मेरा फ़ोन है, अगर मैं इसमें व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ तो इसका ना मतलब कैमरा क्वालिटी आप देखते हो, कैमरा क्वालिटी तो इसकी ठीक है, बट जो इसकी स्टोरेज है वो इसमें बहुत कम है, ठीक है। मेमोरी कार्ड मैंने डाला, बट जब एडिटिंग के टाइम पे बहुत हैंग करता है, ठीक है, एडिटिंग करते हैं इसमें तो थोड़ी मतलब बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर ना, तो हो नहीं पाता, अटकता है ये वो, ठीक है। और पीसी में मेरे पास पीसी है, पर पीसी में भी एडिटिंग के लिए मतलब मेरे को इतना आता नहीं है, पीसी में वो हाई लेवल का एक हो जाता ना थोड़ा, तो पीसी में उस टाइप से मैं कर नहीं पाता अभी, ठीक है। तो मैं फ़ोन में ही करता हूँ, तो फ़ोन में मेरे को अच्छा ही लगता है, फ़ोन में आसानी से हो भी जाता है। तो अभी रही बाकी फ़ोन लेने की बात, तो गाइस अभी हम चलते हैं सबसे पहले फ़ोन लेने। तो गाइस जो मैंने पसंद करा है ना फ़ोन, वो मैंने पसंद करा है रियलमी 8 और 8 प्रो है शायद, ठीक है, वो हम लेंगे। 8GB कुछ का है वो, तो उसमें हम लेंगे 128GB वाला कुछ लेंगे, तो इतने में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं व्लॉग एडिट करता हूँ ना, तो व्लॉग एडिट करने के बाद जब मैं एक दो व्लॉग अपने एडिट कर लेता हूँ, तो उसको मैं पीसी में अपने ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो फ़ोन मेरा दोबारा खाली हो जाता है, फिर मैं उसमें दोबारा कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसका कैमरा भी गाइस 108 मेगापिक्सल कुछ है, तो उसका कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है, मैंने देखा था, जैसे मेरे दोस्त ने भी ले रखा था वो फ़ोन एक। तो गाइस अभी चलते हैं फिलहाल फटाफट से फ़ोन लेने, देखते हैं फिर उस फ़ोन को करेंगे अनबॉक्सिंग, करवाऊँगा तो मैं अपने भाई के हाथ से सोच रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने फटाफट फ़ोन लेने। अपन फाइनली दुकान के बाहर पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये देखो आधा शटर खोल के दुकान से दे रहे हैं फ़ोन को अभी। तो फिलहाल जो अपन फ़ोन लेने आए, पहले पूछते हैं अंदर जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाकी भैया से कंफर्म करते हैं एक बार फ़ोन भैया के पास है कि नहीं है। 8 प्रो कब तक मिल जाएगा? 8 प्रो हाँ
लॉकडाउन के बाद ही अभी स्टॉक आ नहीं रहा है मार्केट से, स्टॉक नहीं आ रहा। तो गाइज अभी फ़िलहाल मतलब ये हमारे इधर की मतलब फेमस ही शॉप है जहाँ से हम लेते हैं परचेज़ करते हैं, तो अभी इनके पास स्टॉक आ नहीं रहा कह रहे हैं, तो अब देखो पता नहीं दूसरी दुकान पे एक बार जाके ट्राई करते हैं, शायद वहाँ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। 8 प्रो तो अभी इनके पास है नहीं, क्योंकि अपन को लेना वही है, चूज़ वो करा है तो अपन वही लेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे चल के किसी और शॉप पर, क्या पता वहाँ मिल जाए। तो गाइज मतलब हम आज आ चुके हैं खाली हाथ घर, मतलब कुछ मिला नहीं, ठीक है, आराम से इतनी दूर दूर गए, इतनी दूर दूर गए फोन के लिए, मतलब दोबारा इसी फोन से करना पड़ रहा है। मतलब कर तो लेता हूँ गाइज मैं इस फोन से, मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बातचीत वाली बात है ना, मतलब एक एडिटिंग में जो मेरे को गाइज मेरे को पता है वो चीज़ मैं इस फोन में कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये फोन इतना ज्यादा ही हैंग करता है ना कि 10 बार तो भारी आ जाएगा, 5 बार तो भारी आ जाएगा, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है इस फोन में मुझे एडिटिंग की। बस बाकी शूट का तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आराम से हो जाता है, ठीक है। तो गाइस आज तो हमें फोन मिल नहीं पाया, देखते हैं अब दोबारा अगर नेक्स्ट कल अगर देखते हैं। वैसे एक दुकान वाले भैया ने बोला तो है कि भाई मैं अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी चाहिए तो मैं कल तक तुम्हारे लिए मंगा सकता हूँ। तो गाइस एक बार देखते हैं, कल एक बार कॉल करके मैं भैया का नंबर तो ले आया हूँ, कॉल करके एक बार देखते हैं, अगर भैया ले आएंगे तो फिर भैया से परचेस कर लेंगे, नहीं तो गाइस लॉकडाउन तक हमें रुकना पड़ेगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस मतलब इसने तो देख रहे हो ये इसका मंजा जा रहा है, वो री पतंग, मतलब गाइस इसने एक ही बार में अपनी पतंग उड़ा दी, एक बार में ही पतंग पकड़ अपनी वो उड़ दी। कटेगी लग रहा है पतंग, गाइस वो उड़ रही पतंग, और इसने एक बार में पतंग उड़ा दी, पता नहीं कैसे। तो अभी देखते हैं, फिलहाल मेरे को भी देना थोड़ा, काट ही दिए ले गाइस। ये बच्चों ने देखो, ये छत के बच्चों ने मतलब ये भी पतंग उड़ा रहे हैं, इन्होंने भाई की पतंग ही काट दी। भाई ने उड़ा तो ली थी तुरंत ही, पर वो देखो आयुष की पहली पतंग काट दी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं बच्चे। तो मेरे को लगता नहीं है तू मुझे सिखा पाएगा यार। अब भाई उसने ढील नहीं दी थी ढंग से, ढील नहीं दी या कुछ नहीं दिया, वैसे भी उसकी पतंग उड़ा रहा। तो गाइज मेरे को नहीं लगता है मुझे अगर सिखा पाएगा ऐसे पतंग उड़ाना, क्योंकि उड़ाते ही तो कटवा दे रहा है, वो बंदे काट रहे हैं इनकी पतंग, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। अब दूसरी भी उड़ाएगा दोबारा, टाइम लगेगा तेरे को, है मेरे को दूध लेने भी जाना है यार। हाँ तो एक जल्दी से उड़वा देता हूँ ना, तो एक जल्दी से उड़वा दे, करेंगे उसकी डील, हाँ बहुत दूर कर दियो, ढील कटेगी नहीं, और जल्दी कर यार फटाफट, पतंग तो मस्त ला रखा है गाइज, पतंग तो बढ़िया है ये। तो बाकी यार तू फटाफट कर यार, क्योंकि मुझे दूध लेने जाना है, ठीक है, नहीं तो मम्मी भी डांटेगी यार। तो गाइज ये बच्चे इतने गंदे हैं ना, इन्होंने पतंग काट दी। गाइज बंदे तो पतंग उड़ा रहे हैं, देखो उस छत पे भी उड़ा रहे हैं, उधर आगे भी उड़ा रहे हैं, देखो इन्होंने एक और की काट दी, चिल्ला रहे हैं तेज तेज। वाह भाई वाह, इनका पक्का मांजा होगा, है ना बुल्ले, इनका पक्का मांजा होगा ना, मंजा तो लपेट ले, कोई खींच रहा है तेरा मंजा, बुल्ले इनका पक्का मांजा होगा ना, है मैं तेरे सामने ही कटी है, तुम्हारे सामने ही कटी है भाई पतंग, तुमने क्या है, ओ ये क्या कर रहा है यार, इनसे मंजा तो छुड़वा दे, छोड़ दिया छोड़ दिया, ये रहा ये मामा का छोरा, उसने ढील नहीं दी थी वरना कटती, तू उड़ा के मेरे को दे रहा है फटाफट, जल्दी दे यार। और मैं क्या कह रहा हूँ यार, इनका पक्का मंजा है ना उल्ले, कोई पक्का मंजा नहीं है उनका, अभी बताता हूँ, अभी बताता है कह रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई पक्का मंजा नहीं, अभी बताता हूँ, मैंने बताएगा पता नहीं कब बताएगा। तो गाइस फिलहाल मैंने इसको बोला मेरा पतंग उड़ाना सीखा, इसने ये पकड़ा दिया हाथ में चरखड़ी, कैसे दूं ढील, तो मैं कैसे दूं, रुक जा छोड़ देना एक मिनट, ले छोड़ दे, फेंक दे नीचे इसको, तू उड़ा के दिखा बस मेरे को, तू उड़ा के दे यार, सिखा तो तू पाएगा नहीं, मैं दूध लेने के लिए भी लेट हो रहा हूँ, फिर भीड़ हो जाएगी वहाँ दूध की दुकान पे। गाइस ये उड़ा तो रहा है, ले रही अपनी पतंग, रुको जरा सबर करो, ढील दे ढील दे,
ढील दो ना, ढील दो। ओ भाई गाइस, इन्होंने फिर से काट दी पतंग। तो गाइस हम पतंग नहीं उड़ा सकते, मतलब हम क्या, मतलब मैं नहीं उड़ा सकता पतंग, मैंने फिर पतंग कटवा दी। तो गाइस मैं तो चला अब नीचे दूध लेने, नहीं तो मम्मी मारेगी, पतंग वतंग तो मेरे बस की है नहीं। अपन चले दूध लेने फटाफट से। फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, घर आ चुका हूँ गाइस। मैं इतना थक गया हूँ आज, ठीक है, दूध भी मैं टाइम से लेकर आ गया था, ठीक है, और उसके बाद भी एक दो काम थे वो मैंने फटाफट करे। तो गाइस अभी मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं चला पहले नहाने, फिर नहा के अपन खाएंगे खाना, खा के अपन जाएंगे सो, ठीक है। और तो बात ये है कि आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो गाइस व्लॉग को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। और गाइस जो भी नए बंदे हैं जो मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे रेड कलर का एक आइकन बना रहा होगा सब्सक्राइब का, तो उस पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।